तो हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम वीपीएन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वीपीएन क्या है, इसके क्या यूजेस हैं और कौन-कौन लोग इसका यूज करते हैं। वीपीएन क्या होता है, जिसको हम जिसकी फुल फॉर्म जानते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वीपीएन का काम क्या होता है, वीपीएन जो है हमें एक वर्चुअल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा आईएसपी होता है यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो हमें एक पर्टिकुलर आईडी प्रोवाइड कराता है। पर जो वीपीएन होता है वो क्या करता है कि हमारी उस आईडी को चेंज करके दूसरी आईडी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक टेम्परेरी आईडी होती है। यानी कि जैसे हमने कोई ऐप इंस्टॉल करी वीपीएन वाली, उससे हमने मान लीजिए यूएस के सर्वर से कनेक्ट किया। अब होगा क्या कि जो यूएस का सर्वर है वो हमें वर्चुअल आइडेंटिटी प्रोवाइड करा देगा, मतलब हमारा कंप्यूटर और वो अमेरिका का वीपीएन, उसके बीच में एक टनल क्रिएट हो जाएगी, जो जिससे जब डाटा पास होगा वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होगा, और जो यूएस का सर्वर है वो हमारे डाटा को डिक्रिप्ट करके उस वेबसाइट को देगा जिसको हम विजिट करना चाहते हैं। अब जिस वेबसाइट पे हम विजिट करेंगे उसको यही लगेगा कि हम अमेरिका से वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी हमारा डाटा है वो अमेरिका के सर्वर से होकर के उस वेबसाइट तक जाएगा। मान लीजिए हमने कोई भी वेबसाइट विजिट करी, मान लीजिए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट विजिट करेंगे, तो अगर फ्लिपकार्ट देखेगा अपने सर्वर पे तो उसे यही लगेगा कि इस बंदे ने अमेरिका से हमारी वेबसाइट को विजिट किया हुआ है। हम इसका यूज़ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यूएस में बैठे हुए हैं, मान लीजिए हम ट्रैवल करके यूएस गए और हमें कोई इंडिया की स्ट्रीमिंग वेबसाइट विजिट करनी है, जैसे कि इंडिया की कोई भी स्ट्रीमिंग वेबसाइट हो सकती है, जैसे जियो मूवीज हो गई या जियो टीवी हो गई। तो हम क्या करेंगे, यूएस में बैठ के हम इंडिया के सर्वर से यानी कि इंडिया के वीपीएन से कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम को, और हम वो वाली वेबसाइट जो इंडिया की है हम विजिट कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक तो इसका ये यूज़ हो गया। अब कभी कभी ये होता है कि जैसे कि हम बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, उसमें क्या होता है कि ट्रैकर से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हमारा डाटा कोई ट्रैकर जो है ट्रैक कर सकता है, हमारी लोकेशन ट्रैक कर सकता है और हम क्या डाटा सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो एक्सेस कर सकता है। तो ये हमें ट्रैकर से भी बचाता है, यानी कि जब हम किसी और कंट्री के सर्वर से कनेक्टेड होंगे तो ट्रैकर हमारी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है। अब यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट भी वीपीएन को यूज़ करते हैं अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, जैसे कि जब उनको बहुत ही किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है इंटरनेट पे, और उन्हें ये डर होता है कि हमारी लोकेशन को कोई ट्रैकर गैदर ना कर ले, इसलिए वो लोग वीपीएन का यूज़ करते हैं।